जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे बोनी फिश के बारे में। तो बोनी फिश, हमने पहले कॉटिलेजनस फिश के बारे में बात कर ली है। तो बोनी फिश में बहुत सारी तरह की, बहुत डाइवर्सिटी है इस फिश के अंदर। तो आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे तरह के मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स मिलते हैं, है ना। और चार बहुत ही इम्पोर्टेंट फिश हैं जो इवोल्यूशनरी लिंक भी हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये लैटिमेरिया है। इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से ये फिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये इसके नीचे देखिए, ये तीन लंग फिशेस हैं, एयर ब्रीदिंग फिशेस हैं। और सबसे अच्छी बात है जो इसके बारे में हमको पता है, कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए कैसे है। एक अमेरिकन सी में पाई जा रही है, दूसरी जो है आपके अफ्रीका में, तीसरी ऑस्ट्रेलिया में। ये तो भाई गजब का ये वो है फिश का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर पॉलिप्टेरस है, बिचिर एसिपेंसर है, पॉलीडॉन है, पैडल फिश, लेप्डोस्टियस है, और देखिए एमिया आ गई। एमिया बहुत बड़ा सा डॉर्सल फिन है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये इनको तो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, हिप्पोकैम्पस फिश और लेबियो रोहिता। तो ठीक है भाई, ये सारी फिश आपका। तो आइए आज हम बात करते हैं बोनी फिश के बारे में। देखिए भाई, पिसीज जो है वो सुपर क्लास है, उसके अंदर दोनों आती हैं, कॉन्ड्रिक थीस एंड ऑस्टिक थीस। तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि ऑस्टिक थीस के अंदर क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो पहली बात हम लोग जो करते हैं वो करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। तो ये जो है ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर में पाई जाएगी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, है ना। जो भी वाटर बॉडीज आपको दिखती हैं आसपास से लेके समंदर तक, मतलब आपके पॉन्ड में, आपके रिवर्स में, आपके सी में, हर जगह ये पाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये मरीन है एज वेल एज फ्रेश वाटर, है ना। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी बॉडी कैसी है। तो अगेन इट इज स्पिंडल शेप एंड स्ट्रीम लाइन। ये क्या है? स्ट्रीम लाइन है भाई, एकदम जो है तैरने के योग्य है ये, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी आपका जो मेडियन फिन है, जो मेडियन फिन है और जो पेयर्ड फिन है ना, मेडियन एंड पेयर्ड फिन सपोर्टेड बाई, हाँ बताइए, बाई फिन रेस। वेरी गुड, फिन रेस, है ना। तो ये तो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, कॉटिलेजिनस फिश में भी। अच्छा, अब देखिए इसका माउथ। तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि माउथ कहाँ होता था, वेंट्रल। पर यहाँ पे हमको देखना होगा कि माउथ किस साइड में, ठीक है। तो माउथ यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारी फिश दिखाई गई हैं, सब में माउथ आपको टर्मिनल मिलेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी माउथ, यहाँ पे भी, या सब टर्मिनल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी फिश हैं, तो इसमें सब में आपको दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि माउथ इज टर्मिनल। तो माउथ क्या है भाई? माउथ इज टर्मिनल आर सब टर्मिनल, है ना। ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस, हमको मिल गया, ठीक है ना। किसके साथ? ये कॉटिलेजिनस फिश में कहाँ होगा? वेंट्रल साइड में। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि गिल्स। गिल्स हम लोग कॉटिलेजिनस फिश में पढ़ते थे कितना, 5 to 7, लेकिन यहाँ पे जितनी भी फिश होंगी उसमें केवल 4 पेयर ऑफ गिल्स पाया जाएगा। और क्या हमने पढ़ा था? यस प्लीज। हाँ, ये कह रहे हैं कि सर वहाँ पे जो है पर्कुलम नहीं था, स्किन के फ्लैप्स थे जो गिल की ओपनिंग को कवर करते थे। तो यहाँ क्या पाया जाएगा? बोन का बना हुआ, बोनी, है ना, ऑपरकुलम।
अपर कोलम, जो एक ही कवरिंग है जो चारों गिल को एक साथ कवर करेगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल गया। अच्छा, अब सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या है भाई? जब हम लोग कॉटिलेजनस फिश अभी तक पढ़ रहे थे, तो कॉटिलेजनस फिश में हमने देखा था कि प्लैकोइड स्केल था। तो यहाँ पे कौन से स्केल होंगे? यहाँ या तो साइक्लॉयड होगा, टिनोइड होगा, या फिर गेनोइड होगा, है ना। गेनोइड इसलिए बोलते हैं कि उसमें गेनोइन पिगमेंट चिपका रहता है, सिल्वर जैसा चमकता है, या तो एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चार कंडीशन आपको मिल गई। या तो साइक्लोइड स्केल होगी ऐसे, है ना, या टिनोइड होगी या गेनोइड होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन कभी भी प्लैकोइड स्केल जैसे कॉटिलेजनस फिश में थी वैसे नहीं पाई जाएगी। अच्छा, टेल के बारे में अब ये कह रहे हैं कि भाई सेवेंथ पॉइंट, टेल देखिए वहां पे हम लोग पढ़े थे किसमें, कॉटिलेजनस फिश में, कि भाई हेटरोसर्कल टेल होती है। यहाँ का जो करेक्टरिस्टिक्स है, मेजर जो फिशेस हैं उसमें क्या है, होमो सर्कल टेल है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, होमो सर्कल टेल का मतलब क्या है भाई? ये इसका जो है टेल है अगर, तो देखिए दोनों जो है, जो लोब्स हैं एनल लोब्स, वो जो है एकदम जो है इक्वल साइज के, ठीक है ना। लेकिन वहां क्या होता था, एक लोब बड़ा हो जाता था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट्थ पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे जो लैटरल लाइन सिस्टम है वो प्रेजेंट है, वहां पे भी प्रेजेंट था लैटरल लाइन सिस्टम, वो प्रेजेंट है ना। ये प्रेजेंट है भाई, ये तो फिशेस का करेक्टर ही है। अच्छा, अब देखिए नाइन्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नाइन्थ पॉइंट में हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर था, वो बायांसी प्रोवाइड करता है। और हमने बताया था कि जो है वो आपके कॉटिलेजनस फिश में एब्सेंट है ना। अगर कहीं है भी एक आध जगह कहीं पे आ गया है गलती से, मतलब इवोल्यूशनरी लिंक है, तो वो क्या स्ट्रक्चर है भाई जो बायंसी प्रोवाइड करता, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर, तो एयर ब्लैडर पाया जाएगा फिश के अंदर, आप देखेंगे तो एयर ब्लैडर पाया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो आपका जो 10th पॉइंट है उसमें देखिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात की थी वहाँ पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो स्टमक था जेब शेप था, और माउथ में उसके प्लैकोइड स्केल्स से मॉडिफाइड टीथ्स पाए जाते थे, पर यहाँ क्या पाया जाएगा, टूथ प्लेट्स पाई जाएंगी, टूथ प्लेट्स पाई जाएंगी, है ना। हाँ अच्छा, और जो डिफरेंस है स्पाइरल वॉल्व जैसे हमने बताया था आपको, वो कॉटिलेजनस फिश का करेक्टरिस्टिक्स है ना, तो वो यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में तो वो क्या है कि इंडो स्केलेटन, तो इंडो स्केलेटन कॉटिलेजनस फिश में तो पूरी तरह से तो कॉटिलेजनस था, लेकिन बोनी फिश में हम कहते हैं कि इंटायरली कॉटिलेजनस होता है ना, बोनी होता है। तो बोनी फिश में इंडो स्केलेटन क्या है भाई, इंडो स्केलेटन बोनी है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि जो आपका फंडामेंटल कॉर्डेट करेक्टर था, है ना। फंडामेंटल कॉर्डेट करेक्टर तो आपको याद ही होगा, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, उसके नीचे डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो उनका यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है भाई, जो नोटोकॉर्ड है वो क्या बना देगी, वर्टिब्रल कॉलम, है ना, कॉलम। और ये इससे भी है कि जब क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं इसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे जो आपका पेल्विक गर्डेड है, जो हमने बात करी थी कॉटिलेजनस फिश में कि पेल्विक गर्डल बहुत डेवलप है,
अच्छा, पेल्विक गर्डल क्या है आप पूछ रहे हैं? पेल्विक गर्डल में जैसे आपका हाथ है, तो जहाँ से जॉइंट हुआ है वो एक गर्डल है ना, तो उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, है ना, और जहाँ से आपके पैर जुड़े हैं उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो यहाँ पे जो पेल्विक गर्डल है वो बहुत ही स्मॉल है ना, पेल्विक गर्डल स्मॉल है ना, बहुत छोटा है या एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद देखिए कि हम लोगों ने बात की थी कि हार्ट से जो है, हार्ट में कुछ स्ट्रक्चर बात किए थे, कोनस आर्टेरियोसस, है ना, तो इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में कहें, तो यहाँ पे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एओर्टिक आर्चेस, एओर्टिक आर्चेस वो कितने हैं? फोर हैं, और ओवल शेप का आरबीसी है विथ न्यूक्लियस। आरबीसी कैसा है? ओवल प्लस इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस। अच्छा, हम लोगों के आरबीसी कैसी है? ये वो न्यूक्लियेटेड नहीं है भाई, सही बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए अब 16th पॉइंट देखिए, तो आपका किडनी की अगर बात करें, तो जो एडल्ट में किडनी है, एडल्ट में है ना, वो क्या है? मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, जबकि हमने बताया था आपको किडनी में अगर डेवलपमेंट देखेंगे जो कंपैरेटिव एनाटॉमी में है आपके पेपर सेकेंड वाले में, तो उसमें देखेंगे तो प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक, तीन तरह की किडनी है आपकी, तो इसमें किस तरह की है? मीजोनेफ्रिक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व हमने कितनी पढ़ी थी भाई? क्रैनियल नर्व जो है हमने पढ़ी थी 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व, किसमें? इससे पहले वाला जो क्लास था वो कौन सा था? कॉन्ड्रिक थे, तो उसमें 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व थी, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ना मिडल ईयर में, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए ब्रेन में हमने वहां बात की थी, तो हमारा कौन सा लोब सबसे ज्यादा डेवलप्ड था? हाँ भाई, डॉग फिश बोलते थे वहां पे, कॉटिलेजनस फिश में, तो यहाँ कौन सा लोब डेवलप होगा? तो यहाँ ऑप्टिक लोब वेल डेवलप होता है, ऑप्टिक लोब वेल डेवलप्ड, वेरी गुड, सब लोग याद कर रहे हैं अच्छे से, एग्जाम आ गया लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा, वहाँ पे क्या था? इंटरनल, यहाँ पे क्या होगा? एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा भाई? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, है ना, और डेवलपमेंट वहाँ पे भी डायरेक्ट था, यहाँ पे भी डायरेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, है ना, क्लीवेज होता है। तो ये थे आपके जो आपके बोनी फिश है उसके अंदर करेक्टर। तो अब उसमें अगर हम लोग कहें कि भाई क्या क्या ऐसे करेक्टर हैं जिसमें हम डिफरेंस बता सकते हैं, तो एक तो देखिए ये वाला करेक्टर है माउथ का, दूसरा है गिल का, ऑपरकुलम प्रेजेंट है, ठीक है। स्केल्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं, टेल में डिफरेंस देख सकते हैं, एयर ब्लैडर यहाँ पाया जा रहा है और कॉटिलेजनस फिश में नहीं पाया जा रहा था, वहाँ जो टीथ्स थे वो मॉडिफिकेशन थे प्लैकोइड स्केल के, लेकिन यहाँ टूथ प्लेट्स पाई जा रही हैं, है ना, यहाँ एंडो स्केलेटन बोनी है। अच्छा, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्टिब्रल क्रम है आपका नोटोकार्ड का, ठीक है ना, और पेल्विक गर्डल वहाँ वेल डेवलप्ड है, यहाँ बहुत ही स्मॉल है। और देखिए एडल्ट कैसे हैं? मीजोनेफ्रिक हैं, ये तो सारी चीज़ें पहले जैसी हैं, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है कि यहाँ ऑप्टिक लोब वेल डेवलप्ड है, कॉटिलेजनस फिश में कौन सा लोब वेल डेवलप्ड था भाई? यस, ऑल्फैक्टरी लोब, इसीलिए तो उसको डॉग फिश बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि
इसका जो है इस क्लास के अंदर क्या सब क्लासेस हैं? अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।